सो हे गाइस, आप देख रहे हो HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज, यह है लेसन नंबर 4। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख के आइए, बिकॉज वो आपने नहीं देखा तो ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाला अबाउट मेटा टैग, मेटा टैग के एट्रीब्यूट्स और भी बहुत सारी चीजें टोटल, और ये जो वीडियो है पूरा का पूरा मेटा टैग के ऊपर रहेगा। जो भी बेसिक चीजें रहती है मेटा टैग के बारे में, जो आपको इनिशियली लेवल पे जानना जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे मेटा टैग होता क्या, सबसे पहले वो जान लो। मेटा टैग बेसिकली करता ये है कि हम लोग का वेब पेज जो रहता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, मेरा जो वेब पेज है ये ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये जो वेब पेज है ये अमेजोन से रिलेटेड है, या ये जो प्रोडक्ट है ये कोई मोबाइल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें का डिटेल्स जो रहता है वो मैं डालता हूँ मेटा डेटा के अंदर। ओके, और ये जो मेटा टैग है मोस्टली यूज होता है SEO के लिए। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था SEO के रिलेटेड, आप सर्च करना आयुषा SEO या किसी के भी वीडियो देख लेना SEO क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेटा टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी वैल्यूज होती है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कैर सेट करके एक एट्रीब्यूट होता है जिसका वैल्यू जो रहता है वो UTF-8 होता है मोस्टली। ओके, फिर नेम होता है, नेम के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं वैल्यूज होते हैं, जैसे कि ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, व्यूपोर्ट, बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किसका क्या यूज होता है। ओके, फिर HTTP इक्विव, ये जो रहता है वो रिफ्रेश के लिए यूज होता है, और कंटेंट जो हम लोग का कोई भी पेज का कंटेंट रहता है ना उसके लिए लिखते हैं। ओके, और जो नेम और कंटेंट है वो हम लोग मोस्टली एक साथ यूज करते हैं। ओके, सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो अभी जैसे ही मैं ये पेज पे जाता हूँ, ओके, सो यहाँ पे ये चीजें आप देख सकते हो, ये मेटा टैग डाला हुआ है मैंने कैरसेट UTF-8। अगर इसके ऊपर होवर करोगे आप, यहाँ पे दिखाएगा दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेजेस कैरेक्टर एनकोडिंग, इट मस्ट कंटेन स्टैंडर्ड, जो भी इन लोग ने लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्या है, ऑथोराइज आर एनकरेज टू यूज UTF-8। ये बोल रहा है कि UTF-8 यूज करो। देखो, हम लोग ये सारे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये सारे भी यूज कर सकते हैं, बट जो ऑथर्स रहते हैं उसका यूज रहता है कि UTF-8 ही यूज करो, बिकॉज उसके अंदर हम लोग सारी चीजें कवर हो जाती है। UTF-7 भी था हम लोग के पास, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर मस्ट नॉट यूज UTF-7, और ये जो भी इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई, इसके ऊपर होवर करके तो आपको सारा पढ़ने को मिल जाएगा। बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये जो रहता है ना कैरेक्टर एनकोडिंग रहता है, जो हम लोग का वेबसाइट के ऊपर काम करता है। अभी चाइनीज के लिए कुछ और होता है, बट मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। ओके, फिर हमारे पास आता है HTTP इक्विव। अभी ये क्या करता है, देखो ये जो लाइन है स्पेसिफिकली, ये मेरे को कुछ पता नहीं है ऑफकोर्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा। अगर आपको कुछ पता नहीं है ना तो उसको कॉपी करो और फिर यहाँ पे आके पेस्ट करके देख लो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, वॉट डज इट मीन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं लिखा होगा एज आंसर नो 10+ years ऑफ रिकमेंडेशन टैग्स आउट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप जैसे ही ये पढ़ोगे तो ये बता रहा है कि हम लोग का जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसके अंदर सपोर्ट नहीं रहा है अभी, राइट? तो इसीलिए हम लोग ये चीज लिखते हैं। तो ये यही बता रहे कि हम लोग का IE Edge, ये जो चीज है, हम लोग बता रहे कि हम लोग का अभी ये जो चीज है ये कंपेटेबल हो हम लोग के जूनियर ब्राउजर के अंदर भी। ओके, अगर आप इसको होवर करोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज है, जैसे कि आप कंटेंट टाइप लिख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें, इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इन्होंने रिफ्रेश का भी दिया हुआ है कि रिफ्रेश आप कर सकते हो, जैसे कि हम लोग का कुछ चीजें रहती तो हम लोग रिफ्रेश करवा सकते हैं पेज को, या अगर आपको कोई दूसरे URL पे क्या बोलते हैं ट्रांसफर करना है, रिडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये चीज डाल दिया। ओके, अब मैं एक और एक चीज लेता हूँ, मेटा लिखता हूँ। ओके, मेटा के अंदर मैं डालता हूँ HTTP इक्विव। अभी मेरे को इसके वैल्यूज नहीं पता, तो क्या करूँगा मैं इसका होवर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ क्या क्या वैल्यूज है। यहाँ पे दिखा हुआ रिफ्रेश। ओके, तो मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, रिफ्रेश कर दिया और फिर इसको स्पेस डाल के अभी ये क्या और क्या बता रहा है, रिफ्रेश तो डाल दिया, फिर ये बता रहा है कि कंटेंट के अंदर हम लोग URL डाल सकते हैं। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे कंटेंट ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे URL कैसे डालने वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं बताया, ये आप देख सकते हो कोलन, ये जो है ये ऐसा कुछ लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर नहीं चल रहे तो हम लोग गूगल कर लेंगे। ओके, URL और फिर इन्होंने और भी कुछ लिखा हुआ था ना, URL इज इक्वल टू और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.com। ओके, https://google.com, तो मैंने ये लिख दिया। अभी आप देख सकते हो ये चीज़ यही लिखा हुआ है, इन्होंने यही लिखा हुआ है, राइट? अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है तो कुछ और होगा, बट अगर ये चीज़ नहीं वर्क कर रही यानी कि हम लोग ने कुछ तो मिस्टेक किया हुआ। अभी जैसे ही मैं बैक जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये रिफ्रेश हो जा, कुछ एरर है आई गेस, इसको देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो जो भी एरर है वो। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ तो गया है, बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं वर्क कर रहा हम लोग देखते हैं। ओके, सो
मेटा HTTP EQUI ऐसा कुछ लिखो और फिर यहाँ पे रीडायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे इन लोग ने ये बता रहे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ओके, इन्होंने लिखा हुआ है रिफ्रेश और फिर कुछ लिखा हुआ है क्या। ओके, सो मैंने एक चीज़ गलती कर ली कि यहाँ पे हम लोग को कुछ 10 लिखना होता है, मतलब कुछ भी एक नंबर लिखना होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने 10 लिख लिया और फिर ये लिख के कर दिया। अभी जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये 10 सेकंड के बाद जाना चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, सो 1 2 3 आई गेस नहीं जा रहा है मेरे को, आई डोंट नो। मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकंड लेके रख देते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, फिर यहाँ पे सर्च। ओके, देखो ये हो गया था रिफ्रेश, आपने देखा? मैंने शायद से कोटेशन नहीं डाला था फिर भी हो गया था, अगर आपने देखा हो तो, नोटिस किया हो तो। अभी आई डोंट नो कि क्या इशू है ये, बट हाँ मैंने अभी अभी देखा था कि ये हुआ था। अभी मेरा तो ये पेज चला गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके वापस से इसको खोल दूंगा। तो अभी मैं वेट करता हूँ कुछ सेकंड। देखो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया, देखा आपने, ये चीज़ हो गई, वर्क हो गई। अभी जैसे ही आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो आप ऐसे डायरेक्टली गूगल कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे अटक जाओ तो आप क्या कर सकते हो। अभी देखो ये चीज़ हो गई, अभी मेरे को अगर रीडायरेक्ट नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली ये जो URL है इसको हटा दूँगा और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ओके, अभी जैसे ही मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ, इसको ओपन कर लिया तो यहाँ पे देखो ऊपर देखो ध्यान से, ये रिफ्रेश हो रहा है, ऊपर देख रहे हो स्टॉप लोडिंग दिस पेज ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सो ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है कुछ टाइम बाद, तो इस आप कर सकते हो। लाइक हम लोग का रहता है कि अगर हर 5 सेकंड में आपको रिफ्रेश करना है तो इसके लिए आप ये चीज़ यूज सकते हो। 1 2 3 4 5 अभी होना चाहिए रिफ्रेश। ओके, नहीं हो रहा है कुछ। ओके, हो गया, देखा, ये देखो हल्का सा हो रहा है बट वो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो ऐसा करके आप कर सकते हो। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, देखो आप ऐसे रीडायरेक्ट भी कर सकते हो कहीं ना कहीं दूसरे कोई वेबसाइट के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारे पास इसके बाद जो एट्रीब्यूट आता है वो है नेम। ओके, नेम अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी नेम के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी देखो यहाँ पे एक हम लोग के पास नेम में होता है व्यू पोर्ट, एक वैल्यू होती है ओके नेम की। तो अभी ये व्यू पोर्ट क्या करता है ना कि हम लोग का ये जो चीज़ है, ये इसकी जो ये जो वैल्यू है, हम लोग बता रहे कि हम लोग का जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है। ओके, सो हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, बट ये क्या होता है ना कि लाइक हम लोग का जो फोन का जो डिस्प्ले होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा आता है, लाइक 1080x720 ऐसा कुछ होता है। ओके, सो ये जो चीज़ है इसको आप बोल सकते हैं कि ओवरराइड करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, अगर आपको नहीं पता, ओके फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मेरे को नहीं पता क्या है, अगर मैं इसको सर्च करूँ तो ये क्या होगा, तो ये क्या दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन लेआउट। तो अभी ये बता रहे कि क्या चीज़ है। देखो अगर मैंने ये नहीं डाला होता तो ये बता रहे कि ऐसा दिखता आपको, और अगर मैंने ये चीज़ डाली हुई है तो ऐसा दिखता। अभी अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, देखो विथ इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विथ, ये बता रहे कि हम लोग का जो विथ है वो डिवाइस के विथ के हिसाब से ले ले। ओके, हम लोग का रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, सिंपल। और फिर हम लोग का जो इनिशियल स्केल, मतलब हम लोग का जो जूमिंग का लेवल है वो ये हो। ओके, अभी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये वेबसाइट पे जाके आप देख लेना, आप सीधा सीधा ही यूज़ कर सकते हो। मैं ऑनेस्टली बोलूँ लाइक ये चीज़ जो है ना, आप डायरेक्टली सेम टू सेम ये लिख सकते हो, आपका ये जो चीज़ है ना ये ऑटोमेटिकली आता है। ओके, एमिट एब्रिवेशन के अंदर, सो आपको इतना झंझट मारी करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास फिर आता है मेटा नेम, और भी आता है मेटा के अंदर मेटा। अभी यहाँ पे मैं नेम में लिख देता हूँ। अभी देखो नेम के अंदर हमारे पास ऑथर है, डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है ऑथर, अभी ऑथर में डाल देता हूँ। ओके, ऑथर अभी ऑथर डाल दिया मैंने। अभी मैं यहाँ पे इसका कंटेंट लिखूंगा। देखो हमेशा नेम और कंटेंट एक साथ लिखा जाता है। ओके, मोस्टली केसेस में यहाँ पे मैंने नेम लिखा, नेम की वैल्यू और कंटेंट। अभी जो हम लोग की नेम की जो वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से कंटेंट डिसाइड होगा। अभी ऑथर लिखा है, यानी कि मैं लिख दूंगा आयुष। ओके, अभी आप बोलोगे यहाँ पे अभी कुछ आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स नहीं आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पे ओपन करके दिखाओ, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, बिकॉज ये मेटा डेटा है, ये SEO के अंदर काम आता है। ओके, अभी सिमिलरली ऐसे करके हमारे पास होता है डिस्क्रिप्शन। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन होता है, मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो सॉरी, बिकॉज लाइक मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ मैं जस्ट आपको आइडिया बता रहा हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन लाइक दिस इज HTML TUTO आ रहा है। ओके, ट्यूटोरियल लिख दिया मैंने। ओके, तो मैंने ये चीज़ लिख दी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जियो, गूगल पे मैंने सर्च किया जियो, अभी यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये क्या लिखा हुआ है, जियो इंडिया लार्जेस्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
अभी इसका मैं सोर्स कोड ओपन करूँ तो क्या होता है, देखो मैंने ये चीज़ लिख दिया। अभी इन्होंने क्या लिखा था, जियो इंडिया लार्जेस्ट 4G, राइट, ये चीज़ दिख रहे हो आपका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नेम में डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, राइट। तो जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो यहाँ पे, अभी ये चीज़ है, ये SEO में काम आता है। अगर आपको नहीं पता SEO क्या होता है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। अब मैंने जैसे ही जियो सर्च किया, तो जैसे ही जियो सर्च किया तो सबसे पहले ये वेबसाइट है। क्यों है? क्यों करके उन्होंने कुछ ना कुछ रैंकिंग वगैरह किया होगा, ओके, या मे भी बड़ी वेबसाइट होगी इसीलिए। सो जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें आ रही है। अभी ये जो डेटा है वो आ कहाँ से रहा है, जहाँ से आ रहा है, राइट। मैंने मेटा डेटा डाला था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ गया वो, ओके, यहाँ पे ये रहा, ये देख सकते हो कंटेंट जियो। तो ये जो टेक्स्ट है ये उठ के हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, उन्होंने OG डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, बट हाँ, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये यहाँ से आता है, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग का बेसिकली काम आती है, ये चीज़ SEO के काम में। अभी जो भी डेटा हम लोग मैंने डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। फिर आता है कीवर्ड्स क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड्स डाले क्या, ओके, कीवर्ड्स डाले यहाँ पे, ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड, प्रीपेड, जियो फाइबर, ये सब लिखा हुआ है, ओके। इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो जैसे ही कोई अगर सर्च करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जियो फाइबर सर्च करूँ, तो मैं जियो फाइबर सर्च करता हूँ तो कौन सी वेबसाइट आती है, जियो फाइबर, ओके। तो जियो फाइबर सर्च करते ये आ गया, तो इनके वेबसाइट में इन्होंने ये लिखा हुआ है ये पेज के ऊपर, तो ये चीज़ होती है, ओके। बट जो भी हम लोग का ये जो कीवर्ड्स रहता है वो काम आता है रैंकिंग के अंदर। तो अगर कोई ये वर्ड सर्च करता है तो उनके वेबसाइट का कहीं ना कहीं पे ये आएगा, ये वेबसाइट दिखाई देगी, अगर SEO किया होगा उन्होंने, ओके। और तो ये तो आप देख सकते हो मेटा व्यूपोर्ट इनिशियल स्केल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये हम लोग का वही है, ओके। सो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं व्यूपोर्ट आपको बता चुका हूँ। और कंटेंट देखो, जो मोस्टली जो कंटेंट रहता है वो नेम के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है, तो डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा मैं वो कंटेंट के अंदर डालूंगा। अभी कंटेंट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, ओके। अभी जैसे कि यहाँ का ये जो कंटेंट है ये हम लोग का डिसाइडेड है, ओके। यहाँ पे और भी चीज़ें आती है कि जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, इन्होंने लिखा हुआ था मैक्सिमम स्केल, तो ये भी चीज़ डालते हैं, लेकिन हम लोग का जो यूजुअली रहता है वो इनिशियल स्केल 1 तक ही डालते हैं, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट करना और नोटिफिकेशन आइकन को दबा कर रखना, सब्सक्राइब करके रखना, शेयर करके रखना। और मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो क्वेश्चन, नो डाउट, आप हमेशा पूछ सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे। और मैंने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग वॉइस चैट कर सकते हैं, तो हम लोग बातें इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग बातें करके मैं आपको डाउट रहेगा तो सॉल्व कर सकता हूँ, ओके। स्वाइप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ भी है तो कमेंट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी करते सब कुछ कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।